तो आइए देखते हैं, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, और फोर ऑफ कप्स, एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। डोंट वरी, जो कार्ड आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं वो मैं कार्ड जब लूँगी तो आपको पता चल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि सभी कार्ड आपको नज़र आएं, और नहीं भी नज़र आते तो आई विल शो यू, बिकॉज मुझे तो सभी कार्ड लेने हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ये एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो एट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आप तो मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो MNCs वगैरह में हैं, तो उनका जो है ऑनलाइन वर्क चल रहा है घर से ही। तो अभी आप जो हैं मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पेंटिकल्स बनाने के लिए आप काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। ये पेंटिकल्स हैं और आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये देखिए, सी योर हार्ड वर्क। अगर आप लोग अभी किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे ये जॉब में मुझे रहना है, या आप कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, इस टाइम पे तो बहुत टफ हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप ढूंढ रहे हैं, आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आपको ना, जैसे देखिए ये पर्सन इसको टॉर्च दिखा रहा है, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स की या किसी भी एल्डर की, या फिर वो जो उस कंपनी में काम करता है जिसमें आप जाना चाहते हैं, या आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। ये कार्ड हमें यहाँ पर ये बता रहा है, तो किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले आप थोड़ी सी गाइडेंस ले लीजिए किसी से, और उसके बाद उस कार्य को कीजिए, उस काम को स्टार्ट कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको, अगर आप थोड़े से ना ब्लंट हो रहे हैं काफ़ी, ये जो इस तरह की एनर्जी होती है कि वो इंसान जो होता है वो काफ़ी ब्लंट होता है, और वो आपको अभी इस टाइम पे थोड़ा सा सॉफ्टली बिहेव करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा ईगो का इशू है, आई एम सॉरी टू से दैट, बट अगर कुछ इस तरह की बात है तो वो चीज़ आपको भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो है टफ़ टाइम चल रहा है सभी के लिए। तो अच्छा यही होगा कि आप जो है थोड़ा सॉफ्टली बिहेव करें सभी के साथ, और आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी है, पावर में है आप। ये देखिए ये किस तरह से अपनी पावर में है अपने वॉन्ड को लेकर, तो ये एक अच्छी एनर्जी है, पावर है, काफ़ी स्ट्रांग है आप इस टाइम पर। और ये जो है पेज ऑफ सोर्स भी मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि यू आर रेडी टू फाइट फॉर योर थिंग्स, एंड यू नाउ यू आर बिहेविंग लाइक अ मैच्योर पर्सन, यू आर एबल टू फाइट फॉर योर थिंग्स। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स हैं, बिकॉज ये पेज जो होते हैं ये थोड़े से इमेच्योर एनर्जी के होते हैं, लेकिन आप रेडी हैं, और ये यंग एनर्जी है, बहुत ही एनर्जेटिक हैं आप अपने काम को लेकर अभी, तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है यहाँ फोर ऑफ कप्स भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास कोई ऑफ़र है, लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑफ़र मैं लूँ या ना लूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी मुझे मनी कम मिल रही है, पर
आपको ले लेना चाहिए क्योंकि ये डिवाइन का हाथ है। ये देखिए, ये बंदा देख नहीं रहा है लेकिन ये डिवाइन का हाथ है, तो डिवाइन इनको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। मे बी कोई पर्सनल चीज़ भी हो सकती है, या लेकिन अभी मैंने रीडिंग जो है वो प्रोफेशनल ली है, तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऑफर हो, कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं। यू आर कंफ्यूजिंग एंड यू आर सैड, दिस पर्सन इज सैड सी, तो आपको भी इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना है। आपको रेडी रहना है अपने वर्क के लिए, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप फियर में मत आइए। जो भी आप काम करेंगे डिवाइन आपका साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए ऑफर भी है, एस ऑफ कप, फुल ऑफ इमोशंस का भी होता है ये। अगर हम किसी पर्सनल चीज़ को लेके चलें तो ये फुल ऑफ इमोशंस का भी होता है, ये कप जो है फुल ऑफ इमोशन से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं प्रोफेशनल की बात कर रही हूँ, तो ये डिवाइन का हाथ है और डिवाइन आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। कोई जो पर्सन अगर जॉब सर्च कर रहे हैं या वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको फेयर में नहीं रहना चाहिए और अपना जो काम काम है वो गॉड का नाम लेके स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि गॉड उनके साथ हैं, गॉड उनको ऑफर कर रहे हैं। और ये कप फुल है, इट्स नॉट अ एम्प्टी कप, तो जो है आपका जो कप है वो फुल है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, लेट्स चेक कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। मैं ये भी देख लेना चाहती हूँ कि एंजल नंबर आपके लिए क्या आया है। ओके, देखिए एंजल नंबर आप लोगों के लिए 555 आया है, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। यू हैव बीन होल्डिंग ऑन टू योर रूटीन, बट इट इज़ टाइम फॉर सम एडवेंचर, सोशलाइजिंग एंड टेकिंग रिस्क। सो फ्रेंड्स, देखिए एंजल्स भी आपको यही कह रही हैं, सी एंजल्स भी आपको यही कह रही हैं कि ये जो टाइम है वो रिस्क लेने का है, वो आगे बढ़ने का है, थोड़ा सोशलाइजिंग करने का है और थोड़ा सा एडवेंचर्स का टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि आप उदास होकर बैठे रहें और जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, वो आप देखें ही ना। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। और फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग होती है, इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो यू कैन मैसेज मी इन इनबॉक्स एंड आई एम ऑलवेज फॉर यू टू हेल्प, बट इट्स अ पेड रीडिंग बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई नीड टू चेक इन अ डिटेल एंड आई लाइक टू गिव यू वेरी मच क्लियरिटी अबाउट योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, अभी हम दूसरी पाइल की ओर जाते हैं, जो है वो है हमारी पाइल टू के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों के क्या क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये है नाइन ऑफ कप्स, ये है टू ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे जो है ये है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और ये है हमारा थ्री ऑफ सोर्स। मुझे लग रहा है ये पाइल के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस हैं, कंफ्यूज हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, आपने टू, ये टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो टू ऑफ सोर्स मुझे यहाँ पे भी ये बता रहा है कि आपने अपने चारों तरफ ना काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है। आपको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन हो गया तो पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, करियर का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, तो अपने सपने जो हैं आप जो हैं वो नेगेटिव सोच रहे हैं, अपनी जो आपके डिज़ायर्स हैं आप उनको नेगेटिवली लेके चल रहे हैं। या कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं पर्सनल चीज़ों को लेके चलूँ तो यहाँ पे आपका हार्ट भी काफ़ी ब्रेक है, या तो उसी की वजह से नेगेटिविटी है। तो अगर ऐसा है
तो ये एनर्जी को बिल्कुल आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी इफ़ेक्ट कर रही हैं अभी इस वक्त, जो कि बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए। तो आपको ज़रूरत है कि इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ जाएं, बिल्कुल अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो लीव इट, आप आगे बढ़िए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी प्रॉब्लम हो जाए। तो ये इस तरह की जो एनर्जी है, ये जो आपने पट्टी बांध ली है और ये वाटरी इमोशंस हैं, तो अप एंड डाउन चल रहे हैं, बैलेंस नहीं है इमोशंस में, और मून भी है यहाँ ऊपर, तो थोड़ी मून की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। सैडनेस है काफ़ी, कंफ्यूजन है, यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, हाउ यू विल प्रोसीड द थिंग्स, सो यू नॉट एबल टू फाइट फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू रिमूव दैट काइंड ऑफ एनर्जीज। प्लीज इस तरह की एनर्जीज को रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से। आपके साथ हो सकता है कब ऐसा भी हो रहा हो कि आप जहाँ पर जॉब करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपके जो बॉस हैं, तो या फिर आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो आपके इस काम को इक्वल गिव एंड टेक वाला रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप कुछ और न्यू भी, कोई न्यू जॉब के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन अभी जो वक्त है ये बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है न्यू जॉब्स का, थोड़ा नहीं हो पा रहा है। और अगर ये बिज़नेस की बात है तो बिज़नेस में भी आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा दें। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा दें और जो दूसरा बंदा है वो पैसा ना लगाए। तो अभी ये आपको ये चीज़ देखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की बात की जा रही है। और अगर आप किसी को चैरिटी देते हैं तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप उस व्यक्ति को दें जो कि रियल में नीडी पर्सन है। और यहाँ पे मुझे थ्री ऑफ सोर्ड्स भी दिख रहा है, तो थ्री ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस टाइम पे, आपको पेन है हार्ट में। हो सकता है कि आप जिस जॉब में हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ अभी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उसी पेन वाले हार्ट से वो जॉब किए जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं और उसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इफ़ेक्ट कर रही है, तो रिमूव दिस काइंड ऑफ एनर्जीज। अगर अभी कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है जो आप नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, लीव इट और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने आप की इमेज को क्रिएट कीजिए, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो मेरे पास यहाँ कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। कुछ लोगों के पास पैसा है, यहाँ ये पाइल जो है ये मुझे थोड़ी इमोशनल मीन्स प्रोफेशनल से ज़्यादा मुझे यहाँ पर कुछ पर्सनल चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है, ये लेडी देखी है, इसके पास मनी तो है बट शी इज़ नॉट हैप्पी। तो इस तरह की भी एनर्जी लग रही है कि हो सकता है कि आप को जॉब में या बिजनेस में जिस तरह की अर्निंग हो रही है अभी, आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा जो टाइम है वो भी काफ़ी क्रिटिकल टाइम है, तो हो सकता है आगे जाके चीज़ें सभी सही हो जाए। और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं लोग बहुत अबंडेंट भी हैं, ऐसा नहीं है अबंडेंट है, वो पैसे हैं उनके पास, मनी है, लेकिन वो अंदर से इंटरनली दे नॉट फील हैप्पी, मे बी दे आर इमोशनली ब्रेक फ्रॉम समवन, सो इस वजह से ये इस तरह की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि अपने पेंटिकल्स का बहुत ध्यान रखती है, अपनी मनी का बहुत ध्यान रखती है, और नर्चरिंग भी होती है, केयरिंग होती है लेडी ये जो होती हैं, तो वाइस वर्सा आप देखिएगा, और अपने मनी का बहुत ध्यान रखती है, इनको पता होता है कि किस तरह से अर्न करना है, किस तरह से स्पेंड करना है।
और यहाँ पे मेरे पास नाइन ऑफ पेंटी कप्स है, सॉरी। तो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है, एक तो ये कुछ एडिक्शन भी हो सकता है, कुछ लोग ज़्यादा कोई ड्रिंक वगैरह भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, तो इस तरह की एनर्जी भी होती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर कुछ लोग अबंडेंट हैं और वो बेफजूल में अपनी मनी को वेस्ट कर रहे हैं, और ये जो है अबंडेंस का कार्ड होता है। तो ये भी हो सकता है कि आप जिस जॉब में हैं आप अपना हार्डवर्क करते रहिए, और अपनी ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इस तरह की एनर्जी, इससे अपने आप को बाहर निकाल दीजिए, और उसके बाद आपके पास नाइन ऑफ कप्स आ जाएगा। आपके कप्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे और आप जो हैं सेटिस्फाइड हो जाएंगे और आगे लाइफ में प्रोसीड कर पाएंगे। पर पहले आपको ये नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर आ रही है, टू ऑफ सोर्स की ये वाली एनर्जी, सी, इस एनर्जी को छोड़ना है और इस एनर्जी को छोड़ना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा इक्वल गिव एंड टेक एंड योर नाइन ऑफ कप्स, कृष्णा जी की कृपा से। तो अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स कि एंजल्स जो हैं वो आपको क्या बताना चाहती हैं, एंजल्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ये कृष्णा वाली पाइल थी फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई रीडिंग एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो यहाँ पे दो कार्ड जंप आउट कर गए हैं, तो मैं दोनों ही कार्ड लूँगी। पहला कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव, आपके लाइफ में बदलाव चल रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों की हीलिंग चल रही हो। ट्रिपल टू, सी, आपके में टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, ये वाली, ये दिस कार्ड। और एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं, एंजल्स आपको बताना चाहती हैं, ट्रिपल टू, अलाउ योर सेल्फ टू क्रिएट विद ब्यूटी एंड सेल्फ लव रैदर देन फोर्स, सो डोंट फोर्स द थिंग्स। ओके, जैसा चल रहा है उसके फ्लो में जाइए, आगे आगे रास्ता आपको मिलता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी दोनों पाइल्स की रीडिंग, आई होप यू लाइक इट एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड।